Our running costs are significantly less than the income we're pulling in. I suggest we start looking for opportunities to spend that profit margin. तो हेलो गाइस, स्वागत है किंग्स फाइव की न्यू वीडियो में। इस वीडियो में खेलने जा रहे हैं F1 2021 माय टीम का रिमोट, और हम आ चुके हैं टच ग्रैंड प्री यानी कि नीदरलैंड्स। और बिल्कुल यहाँ पे जैन वॉर्ड्स, क्या कितने ही नाम है, मतलब बहुत सारे नाम है। मैक्स वर्स्टैपेन का होम और एक और पावर ट्रैक, मतलब हाँ मतलब हमारी कार को मदद तो देगा इतना तो मुझे पता ही है। बट देख, अरे आई होप कि पिछला वाला बग ना हो इस प्लेस में, मतलब फिर तो क्या ही बोलूँगा, अगर इसमें भी आ गया तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। बट आई होप नहीं होगा, नहीं होगा वैसे। तो चलते हैं, यहाँ पे स्पॉन्सर रिन्यूअल हमारे सामने निश्चय का ऑटोमैन का, तो बिल्कुल यहाँ पे रिन्यू ही करना है हमें। तो ऐसा कोई नया स्पॉन्सर हमें अभी हमें लाना ही नहीं है, मैंने बहुत बार देख लिया क्योंकि मैंने जिस स्पॉन्सर करके कोई मिलता ही नहीं है बढ़िया। तो और अभी तो इन्हीं के साथ चलते हैं आगे, और क्या यहाँ पर एक्टिविटीज़ पर चलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 दिन ही फ्री हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सेकेंड ड्राइवर का रिव्यू ही कर लेते हैं फिर, बाकी यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी को अभी हम नहीं कर सकते हैं अपग्रेड क्योंकि हाँ हमारे पास रुपए नहीं हैं। तो यहाँ पे जो भी है हम कर लेंगे नेक्स्ट वीकेंड इटली में। और यहाँ पे सब अपग्रेड चल रहे हैं मेरे ख्याल से, अभी देखते हैं पावर टल में कुछ आया कि नहीं। अनअवेलेबल, पता नहीं कब आएगा यार। बाकी ये तो कंप्लीट हो चुका है एरोडायनामिक, तो यहाँ पे अधिकतर चीज़ें तो ठीक ही हैं। एक कंपैरिजन करें तो यहाँ पे व्हीकल परफॉर्मेंस की, तो हम फर्स्ट पे हैं। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था भाई, ठीक ही है। ओ भाई साहब, फर्स्ट पे आ गए भाई हम, तो देखना पड़ेगा यहाँ पे कैसी रिजल्ट आते हैं। आई होप कि चैंपियनशिप, जिस हालात में अभी हम हैं ड्राइवर चैंपियनशिप में, उस हालात में हम यही कर चाहिए कि हमें 3, 4, 5, 6 रेसे एक साथ जीत जाए। बट देखते हैं आगे से ये कैसी परफॉर्मेंस देती है। इस ट्रैक पे उतना आदत है नहीं इस ट्रैक पे चलाने का क्योंकि मैंने एक ही दो बार चलाई है, तो देखते हैं। बट रिदम के ऊपर बात होती है, अच्छी रिदम आएगी तो डेफिनेटली हम अच्छे ही करेंगे। वीकेंड यहाँ पे जल्दी देखते हैं, फिर चलते हैं ट्रिप वीकेंड पे। और यहाँ पे सभी ठीक, हाँ ठीक ही है, पावर यूनिट ठीक है। तो बिल्कुल कैसे चलते हैं फिर जल्दी से नीदरलैंड्स जैन वॉल्ट्स, लेट्स गो। यार उससे पहले पर्सनल डिपार्टमेंट आ गई, तो चलते हैं गाइस। वी हैव अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग आवर ड्राइवर, हाउ डू यू वांट टू हैंडल दिस। तो गाइस यहाँ पे एक मैगजीन है जो कि ओकोन फोक्सिंग, मतलब उनके ट्रेनिंग फिटनेस रूटीन्स और बाकी सब जो भी वो करते हैं, मतलब पर्सनल डिपार्टमेंट, वो सब उनके बारे में जानना चाहती है। तो उसी के ऊपर हमें एग्री एडी के लैन करना है, तो एग्री डेफिनेटली। डिसीजन बट यू हैंडल्ड इट वेल। अरे भाई हम हैं फिर कर लेते हैं हैंडल। बट चलते हैं गाइस आगे। ओह बिल्कुल यहाँ पे आ चुका है सर्किट जैन वॉर्ड्स, तो लेट्स गो गाइस। काफ़ी अच्छा ट्रैक, जैसा मैंने एक ही एक दो बार जो भी रेस करी काफ़ी मज़ा आया। तो चल आई होप गाइस इस बार भी मज़ा आएगा। तो चलते हैं सीधे फिर ट्रैक पे, लेट्स गो। तो गाइस हम आ चुके हैं चैंडवर्ट ट्रैक पे, और नीदरलैंड्स यानी कि डच ग्रैंड प्री, और मैक्स वर्स्टैपेन का होम है डेफिनेटली। यहाँ पे पता ही है काफ़ी मज़ा आया था जब रियल में रेस हुई थी, मतलब पिछले साल, तो तुम्हें पता ही कितना फेन बेस है यार मैक्स वर्स्टैपेन का। बट यहाँ पे हम क्वालिफाइंग में, और यहाँ पे ये जो लास्ट टर्न है इसका लास्ट कर्व है, एकदम झुका हुआ, एकदम इंडियाना पोलिस की याद दिला देता है। तो काफ़ी मज़ा आता है स्टैंड में मोड़ते हुए। और यहाँ पे क्वालिफाइंग वन का अपना पहला लैप यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, पहला और आखिरी लैप, और जिसकी वजह से यहाँ पे पहुँच तो गए Q2 में, बट यहाँ पे काफ़ी पीछे हैं। और एस्टेबान ओकोन वहाँ पे 3rd नंबर पे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बट यहाँ पे देखते हैं कि क्या रहते हैं इसका, यही रियल पेस है, तो अगर ये रियल पेस है तो दिक्कत वाली बात है फिर थोड़ा सा। बट देखते हैं अभी Q2 में है और Q3 में, वो तो पता चलेगा कि कैसा है। बट यहाँ पर Q3 में जाने के लिए Q2 को आपको पास करना पड़ेगा, और Q2 को पास करने के लिए आपको एक अच्छा लैप माना पड़ेगा। और यहाँ पे गाड़ी हम से आगे चल रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप लैप ख़राब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छी साइड दी उन्होंने फाइनली आगे जाके, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं लैप में, ना तो कोई कार ऐसे हमें 2-3 बार हमारा लैप ब्लॉक किया गया है। और यहाँ पे क्रॉस स्टेट लाइन ना, और देखते हैं यहाँ पे Q2 में कैसा पेस आया। Q1 में तो काफ़ी ठीक, उतना अच्छा नहीं था, बट देखते हैं।
और जी हाँ, यहाँ पे Q3 में पहुँच चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पे भी अभी भी 1 सेकंड पीछे हैं, और एस्टेबन ओकॉन का काफ़ी अच्छा पे 1/2 सेकंड यहाँ पीछे हैं। चलते हैं गाइस अब सीधे Q3 में। और जी हाँ गाइस, यहाँ पे Q3 में हल्की हल्का बूंदाबांदी हो रही है, वैसे शुरू के लैपों में हो रही है और लास्ट में बिल्कुल बारिश है, यानी कि लास्ट के 5 मिनट्स में। तो इसलिए 1 ही लैप में ख्याल से मुझे लगता है हमें ड्राई के लिए मिलेगा, लगता नहीं है कि दूसरा लैप मिल सकता, मतलब बाद में जो 1 लैप होता है वो मिलेगा यहाँ पे। प्रोसेस द लाइन नाउ। और क्या ही बेहतरीन, क्या बेहतरीन लैप मारा है कि नहीं मारा है देखना पड़ेगा यहाँ पे, सबका टाइम आता है या नहीं आता है। यहाँ पे मेघा से एक और लैप के लिए जा रहे हैं यहाँ पे रितेश सिंह, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि उतना इम्प्रूव किया है, इतना अच्छा लैप मारा है यहाँ पे। टोटा फिलहाल यहाँ पे दूसरे लैप के लिए जाते हुए यहाँ पे रितेश करना चाहते होंगे इम्प्रूव, क्योंकि बाद में बारिश है। और यहाँ पे स्पिन होती हुई कार इस क्वालिफाइंग, क्योंकि मैं और ओ यहाँ पे हल्का सा कॉन्टैक्ट हुआ मेघा से बैरियर्स के साथ, बट कोई डैमेज नहीं तो ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे लैप तो खराब हो चुका है। और गाइस Q3 के रिजल्ट जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे लैप खराब हो गया जाके और फिर बारिश बढ़ गई, तो डेफिनेटली और 9 और 10th पे ही रह गई है हमारी टीम। तो चलते हैं गाइस सीधे फिर रेस में। Welcome along then to the North Sea coast and Zandvoort, 25 miles away from Amsterdam and the host for today's Dutch Grand Prix. It's a race the great Jim Clark won on 4 occasions, leading for an astonishing total of 370 laps. A lap of this short 2.6 mile Zandvoort circuit features 14 corners, 10 to the right and 4 to the left. The main straight is 678 meters long and heads into turn 1, the Tarzan corner. With DRS down the main straight into the braking zone, that could be the best overtaking opportunity on the track. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Young superstar Max Verstappen starts from pole position. A very happy Carlos Sainz will start second. Moving on to the rest of the grid, we have Bottas, Perez, Charles Leclerc and Ricciardo, Hamilton, Ocon, Singh and George Russell, Gasly, Stroll, Yuki Tsunoda and Giovinazzi, Aitken, Norris, Kimi Raikkonen and Jehan Daruvala, Mick Schumacher, Mazepin, Latifi and Kwan Yu Zhou. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. तो गाइस ये ग्रेट थी, और यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी। वैसे यहाँ पे सॉफ्ट और हार्ड की स्ट्रेटजी है, काफ़ी देखते हैं वैसे आगे जाके क्या होता है। वैसे स्ट्रेटजी वही है कि हर आप 5-10 लैप बाद आप चेंज करते हैं, आप सोचते हो कि आपके टायर क्या चल रहे हैं, तो फाइनली यही स्ट्रेटजी तो नहीं रहेगी आगे जाके। देख मतलब वो तो वही बोल रहा हूँ जैसे कि बीच रेस में डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों को पता ही है कितनी बार हमारी स्ट्रेटजी शुरुआत में क्या होती है और लास्ट में क्या क्या हो जाता है। तो यहाँ पे सारी कार्स ग्रेड पे लगती हुई, एस्टेबन ओकन हमारा आगे खड़े हैं जस्ट, क्योंकि अच्छा लैप गया नहीं उनका, काफ़ी अच्छा पेस आ रहा था वैसे, बट भाई कि आप बारिश हो गई और इतना अच्छा लैप मार नहीं पाया वो भी। बट यहाँ पे लाइट्स ऑन होती हुई गाइस, 5 लाइट इज ऑन, लाइट्स ऑफ मैंने भाई भी को काफ़ी ठीक ठाक स्टार्ट किया यहाँ पे देखने। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टार्ट है, बट यहाँ पे रसल का यहाँ पे उनसे भी बेहतरीन स्टार्ट, और यहाँ पे क्या ही तेजी के साथ यहाँ पे निकलते हुए, लेकिन यहाँ पे इनसाइड लाइन कवर करते हुए यहाँ पे तेज, और यहाँ पे वापस अपनी पोजीशन गेन कर लिया, और यहाँ पे हेमेंट ने कोई पीछे कर दिया, लेकिन यहाँ पे फ्रंट ड्राइवर्स का यहाँ पे स्टार्ट देखो तो यहाँ पे डेफिनेटली पेरेज का यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टार्ट, और यहाँ पे चेंज को कवर करते हुए इनसाइड लाइन में, इनसाइड लाइन यहाँ पे सर्जियो पेरेज, और यहाँ पे सेकंड प्लेस मेरे ख्याल से दिया कि नहीं लिया वो आगे जाके देखते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर तेज फॉरवर्ड देखे तो यहाँ पे डेफिनेटली ऑस्टेबन ओकन के आगे चल रहे हैं, पेमेंट ट्राई करते हुए लेकिन काफ़ी क्लोज, और यहाँ पे इन साइड इस टेंट 3 पे, और काफ़ी बड़े ओवरटेक वहाँ पे, लेकिन उनसे बड़े ओवरटेक की वजह से यहाँ पे पीछे हो गए यहाँ पे एस्टेबन ओकन हैमिल्टन से। तो एक पोजीशन अपने आपको आगे लाने के लिए अपने टीम मेट को पीछे करना पड़ा उनको, अपने से भी नहीं और अपने राइवल से अपने पीछे कराना पड़ा, यानी कि हैमिल्टन से। और डेफिनेटली यहाँ पे लेक्लेयर आगे चलते हैं यहाँ पे, लेकिन हैमिल्टन यहाँ पे बिल्कुल पूरी कोशिश करते हैं यहाँ पे हमें पीछे छोड़ने की, लेकिन नहीं यहाँ पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे लाइन है वो, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बार जाते हैं यहाँ पे रितेश, लेकिन नहीं अभी तो पीछे नहीं हुए हैं, बट काफ़ी यहाँ पे प्रेशर बना के रखा हुआ है हैमिल्टन ने मीडियम टायर्स के साथ है। वैसे हैमिल्टन तो यहाँ पे डेफिनेटली टायर एडवांटेज हमारे पास है, बट स्ट्रेट लाइन स्पीड काफ़ी अच्छी आ रही है, क्योंकि जब से हमारे हमारा पावर यूनिट अपग्रेड हुआ है, हंगरी में उतना अच्छा नहीं था, बेल्जियम में भी काफ़ी अच्छा रहा था, फ्यूल ड्रेन हुआ, बट फाइनली इस रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसी रेस जाती है और कैसे पावर यूनिट कमाल दिखाती है, क्योंकि पूरा पावर ट्रैक डोमिनेट ट्रैक है, ऐसा कोई है नहीं कि
बिल्कुल ही बैंकिंग कॉर्नर्स हैं, तो पावर से ही रिलेटेड यहाँ पे कार अच्छी चलेंगी जिनकी पावर अच्छी होगी। और यहाँ पर रितेश यहाँ पे स्कॉर्पियो सेंस को आई थिंक नहीं रख रहा है, उसको यहाँ पे पीछे करते हुए कर दिया है। और जी हाँ क्या ही बढ़िया वहाँ पे ओवरटेक, और यहाँ पे रिकार्डो उनके आगे चलते हुए जो यहाँ पे काफी क्लोज, लेकिन यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं। और ये काफ़ी ये कैसा हुआ मूव था, अजीब सा मूव, वहाँ पे बिल्कुल ही एग्रेसिव वहाँ पे अटैक करना चाहते हैं यहाँ पर रितेश, जल्दी से आगे आना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी उनको अगर चैंपियनशिप जीतनी है तो उनको सेकंड या फर्स्ट वैसे टारगेट है हमारा मेन, बट क्योंकि काफ़ी पीछे रह गए हैं तो डेफिनेटली वो जल्दी से आगे जाना चाहते हैं। और देखना चाहते हैं कि मैक्स वर्स्टापन से कितना अच्छा पेस आ रहा हमारा कि नहीं आ रहा, वो पता चले जब वो सेकंड में पहुँचेंगे, तो इसलिए शायद वो टेक करना चाहते हैं। रिकार्डो अभी आगे चल रहे हैं, तीसरा लैप यहाँ पर चालू है गाइस। और बिल्कुल यहाँ पर फाइनली यहाँ पर फिर से यहाँ पर हम एक बेहतरीन टर्न यहाँ पे 14 टर्न है, जो क्या ही यार बेहतरीन टर्न है इस, बिल्कुल ही मतलब मज़े आता है इस टर्न को मोड़ते हुए, बट संभाल के मोड़नी पड़ती है। फर्स्ट लैप मारते हैं यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम पर, लेकिन यहाँ पे लेट ब्रेकिंग ट्राई करते हुए इनसाइड में होंगे यहाँ पे टॉर्जन कॉर्नर पे, और यहाँ पे जिसने ओवरटेक कर दिया यहाँ पे डेनियल रिकार्डो को फाइनली, और आ गए हैं फिफ्थ नंबर पे। क्या ही बेहतरीन यहाँ पे स्टार्ट किया यहाँ पे रितेश ने, मतलब रेस को मतलब जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि चार लैप में पांच पोजीशन गेन कर लिए और काफ़ी अच्छा पेस आता हो, ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी बेकार पेस आ रहा, बट दिक्कत यह है कि हमारा सेकंड सेक्टर में यहाँ पे उतना अच्छा पेस आ नहीं रहा है वो। और यहाँ पे लेकिन गास्ली पियर गास्ली का यहाँ पे इंजन में से स्मोक निकलता हुआ, धुआं निकलता हुआ, जिसका मतलब है कि एक और DNF, मतलब एक यहाँ पे पियर गास्ली बाहर हो चुके हैं इस से। और जैसे कि बोला था कि तुमने देख सकते हो 3.3 सेकंड आगे यहाँ पे बोटास, लेकिन सेकंड सेक्टर अभी हमें हम हैं ये वाले जो कॉर्नर्स हैं, काफ़ी यहाँ पे हम अपना टाइम लूज़ कर रहे हैं 0.5 सेकंड, मतलब ये मान लो हाफ सेकंड हम लूज़ कर रहे हैं, आधा सेकंड हम पीछे हो जाते हैं एक ही सेक्टर में, तो ये काफ़ी दिक्कत वाली बात है क्योंकि बाकी हम सेक्टरों में फास्टेस्ट हैं, फर्स्ट सेक्टर में भी सबसे फास्टेस्ट कर रहे हैं, थर्ड सेक्टर में भी हम फास्टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सेकेंड सेक्टर में सब बराबर हो रहा है, या मैं बोलूँ कि फालतू उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है, बट देखते हैं स्ट्रेटजी यहाँ पे आती है। बट लेकिन यहाँ पे स्मोक निकलता हुआ यहाँ पे शाले की कार से, और यहाँ पे सनोडा ने यहाँ पे पीछे से आके ठोक दिया इसका लेखला जी कार में, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया भाई, ये क्या ही है, मतलब कि काफ़ी कंफ्यूज हो गया कि यहाँ पे सनोडा, आई डोंट नो, बट इस कॉन्टैक्ट इस क्रैश की वजह से यहाँ पे सेफ्टी कार आ चुके गए, और यहाँ पे स्ट्रेटजी आती है सॉफ्ट मीडियम्स यानी कि टू स्टॉपर्स, और हमने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि आप अच्छी खासी स्ट्रेटजी हमें देता है जेफ, तो ऐसी बात नहीं है, तो बिल्कुल मैं शक करता नहीं हूँ जब की स्ट्रेटजी पे, और मैं अपनी कोई वैसे ही बनाता नहीं क्योंकि मेरी वैसे ही ख़राब रहती हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे इसी लैब में हमें जाना पड़ेगा फिर में, क्योंकि हम जा भी गए हैं, और यहाँ पे सर्जियो पेरेज भी आ चुके हैं पीछे डेनियल रिकार्डो आते हुए, तो हम अकेले नहीं हैं, दो तीन का समय साथ आती हुई, बट देखते हैं काफ़ी अच्छा पिट स्टॉप। जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे 2.3 सेकंड्स का स्पीड स्टॉप, काफ़ी अच्छा पिट स्टॉप। और जी हाँ 1 स्टॉप लेफ्ट बचा, यानी कि मतलब मीडियम टायर हमें लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि वैसे भी शुरू में सॉफ्ट लगवाते, अब सॉफ्ट लगवाएं तो डेफिनेटली आपको आपकी स्ट्रेटजी रहती है कि आपको दो अलग अलग डिफरेंट टायर लगवाने पड़ते हैं रेस में, बट यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सारी कार ज्वाइन कर चुकी हैं सेफ्टी कार को, हमारे बस स्टॉप यहाँ पे लीड करते हुए, और सेफ्टी कार इन दिस लैप यानी कि इस लैप में जाती हुई पिट में, और वापस रिस्टार्ट होगी रेसिंग इस लैप में। बिल्कुल यहाँ पे पहले ही हमसे एक हैं जिन्होंने पिट करा रखा है, बाकी तो कोई है नहीं, तो यहाँ बिल्कुल यहाँ पे रितेश से पहले टर्न पे कोशिश करेंगे कि सर्जे पहले के यहाँ पीछे कर दिया जाए, और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ग्रीन फ्लैश होते हुए गई, और यहाँ पे बिल्कुल व्हील टू व्हील लॉन्ग साइड में होंगे यहाँ पे टर्न वन में, इन साइड में होंगे यहाँ पे रितेश, क्या यहाँ पे पीछे कर सकते हैं पैरेज को, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे कर दिया पैरेज को फाइनली पीछे, और क्या ही बढ़िया ओवरटेक यहाँ पे, और बिल्कुल यहाँ पे, और अभी यहाँ पे नॉरिस हमसे आ गए हैं डेफिनेटली 10-3 पे, लेकिन 10-3 पे यहाँ पे काफ़ी ऊपर यहाँ पे ये भी कर काफ़ी झुका हुआ और कर मोड है, तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा मिला यहाँ पे, काफ़ी ऊपर से यहाँ पे टर्न किया था मतलब आउटसाइड से बोल सकते हैं एक तरीके से, और जिसकी वजह से यहाँ पे आके आ गए यहाँ पे नॉरिस, लेकिन यहाँ पे बिल टू बिल लॉन्ग साइड बिल्कुल फाइट होती हुई यहाँ पे काफ़ी स्पीड वाले कॉर्नर से, तो काफ़ी डर लगता हुआ यहाँ पे मेरे को जब मैं कर रहा था कि कोई कॉन्टैक्ट ना हो जाए, बट काफ़ी अच्छी रेसिंग होती है, फाइनली यहाँ पे नॉरिस आ गया, लेकिन उसके बाद फिर से हमें इनसाइड में राइट हैंड साइड में टर्न मिला, तो जिसकी वजह से हम फाइनली यहाँ पे नॉरिस को भी ओवरटेक कर दिया, और अब हमारा आ गया है स्ट्रॉल यानी कि 2 अल्फाइंस, दोनों अल्फाइंस हमारे आ गए हैं, और बिल्कुल टर्न 13 पे यहाँ पे आ गए हैं, और टर्न 14 तो तुम्हें पता ही कितना बढ़िया मतलब टर्न है, और जिसकी और हम काफ़ी यहाँ पे अल्फाइन से तेज हैं, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे बिना DRS के भी उनको पीछे करते हुए, और यहाँ पे लैंड स्टॉल और इनसाइड लाइन यहाँ पे टर्न 1 पे
और बिल्कुल यहाँ पे एक और ओवरटेक यहाँ पे हमने करा और हम आ चुके हैं 7 नंबर पे। तो ये अच्छी बात है कि हम गेन कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमने सर्जियो पेरेज को पीछे किया, क्योंकि वही हमसे एकमात्र ड्राइवर थे जो हमसे आगे थे, वो भी फ्रेश टायर्स के साथ, बाकी किसी ने अभी तक पिट कराई नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसा स्ट्रेटजी चलता है, क्योंकि अभी तो नहीं मैं बोल सकता हूँ कैसी है, बट आगे यहाँ पे देखते हैं चलेगा कि कैसा क्या होता है। और यहाँ पे अब रसल भी हमसे रसल हमारे आगे चल रहे हैं, यहाँ पे DRS होगा इस लैब में हमारे पास, जी नहीं यहाँ पे DRS नहीं है इस लैब में भी, क्योंकि अनएबल इस लैब में हुआ है, बट उसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमको। यहाँ पे आउटसाइड में होंगे प्रीतेश और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे रसल को भी ओवरटेक कर दिया है और बिल्कुल यहाँ पे 6 नंबर पे आ चुके हैं। 5 नंबर पे यहाँ पे चल रहे हैं एस्टेबन ओकोन, उनके ही टीममेट, टीम ऑर्डर्स होते तो हम उनको ऐसे पीछे करा देते, बट इस गेम में टीम ऑर्डर्स नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एस्टेबन ओकोन अब काफ़ी अच्छे पेस के साथ यहाँ पे आ जाते हैं, बोटास यहाँ पे पिट में जाते हुए, और अब थोड़ा सा पेस गिरना शुरू हो गया हमारा, मतलब क्योंकि वो काफ़ी दूर हो गई है रेंज से बाहर हमारी, और सेकंड सेक्टर हमारा इतना ख़राब जा रहा है जिसकी वजह से वो उतना आगे चली जाती हैं। बट फाइनली यहाँ पे एस्टेबन ओकोन भी यहाँ पे पिट में जाते हुए अब, क्योंकि 11 और 12 लैप में जो सॉफ्ट रनर्स थे उनको पिट में जाना था, तो इन्होंने इन लोगों ने चेंज तो कराया नहीं टायर, तो ये लोग अब पिट में जा रहे हैं। बट यहाँ पे मीडियम स्टार सनर यानी कि जो वर्स्टापन और हैमिल्टन है उनका देखते हैं वो कब जाते हैं, मेरे ख्याल से वर्स्टापन इस लैब में गए हैं आई थिंक, जी हाँ बिल्कुल वहाँ पर पिट में उनकी कार खड़ी थी, और बिल्कुल यहाँ पर वर्स्टापन पिट में जा चुके हैं, यानी कि सिर्फ हैमिल्टन ही हम रह गए हैं जो पिट में नहीं गए हैं, वो मीडियम टायर्स हैं। देखते हैं यहाँ पे हम उनको गेन कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे गेन कर नहीं रहे हम उनको, बट यहाँ पे पीछे हमारे सर्जियो पेरेज भी आ चुके हैं और यहाँ पे हैमिल्टन जा चुके हैं पिट में, तो हम इस रेस को लीड करते हुए और सर्जियो पेरेज फास्ट लैप के साथ बिल्कुल हमारे पीछे आ चुके हैं, यानी कि 0 पॉइंट में, यानी कि DRS रेंज 0.9 सेकंड में, यानी कि 9 टेंथ पीछे और DRS रेंज में। तो ये अब दिक्कत वाली बात हमारे लिए, क्योंकि अब हमें उन्हें डिफेंड करना पड़ेगा, हमें 18वें लैप में जाना पिट में गाइस। और यहाँ पे वर्स्टापन यहाँ पे बिल्कुल कोशिश करते हो, आई थिंक डैनी रिकार्डो के यहाँ पे पीछे कर रहे हैं और यहाँ पे आसानी से पीछे कर देंगे क्योंकि फ्रेश टायर्स हैं उनके, और बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे टक्कर देने की कोशिश यहाँ पे वर्स्टापन को रिकार्डो के द्वारा, लेकिन नहीं यहाँ पे नहीं रोक पाए वर्स्टापन को रिकार्डो और फाइनली वो ओवरटेक कर गए यहाँ पे। बट यहाँ पे सब जो पहले जहाँ पे आगे जा रहे थे वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ब्लेड ब्रेक देखने को मिला हमें, मतलब ये एक अच्छा कैमरा एंगल होता है कि वो ब्रेकिंग का कि कौन कैसे ब्रेक मार रहा तो पता चल जाता है कि किसी ने लेट किया, बट ये अभी तक अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि बिल्कुल ही पीछे हमारे और DRS यहाँ पे मिलेगा। बट यहाँ पे हम जाएंगे पिट में और यहाँ पे सर्जियो पेरेज यहाँ पे पिट में जाते हुए, क्योंकि उन्होंने भी हमारे साथ ही पिट कराई थी 50 कार के अंदर, तो अब हमें चाहिए है जल्दी रेड बुल से अच्छा पिट स्टॉप, क्योंकि रेड बुल तो बहुत ही बेहतरीन पिट स्टॉप करती है, हमसे आगे ना आ पाएँ पेरेज में यही चाहता हूँ। तो जल्द अच्छा पिट स्टॉप, बिल्कुल यहाँ पे ठीक ठाक पिट स्टॉप है, क्या यहाँ पे आगे आ सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे आगे हम पेरेज से, मतलब जहाँ पे थे वहीं पे थे, और यहाँ पे मेरे कार्लोस सेंज यहाँ पे आते हुए डेफिनेटली फरारी ड्राइवर, क्या यहाँ पे फरारी ड्राइवर यहाँ पे ओवरटेक कर सकते हैं, यहाँ पे बिल टू बिल में क्या फिट रेसिंग होगी कि नहीं यहाँ पर कार्लोस सेंज यहाँ पे गाइस यहाँ पे आगे निकल चुके हैं हमसे, और ये अच्छी बात नहीं है। बट यहाँ पे डेफिनेटली आउटसाइड से यहाँ पे ट्राई करते हुए और बिल्कुल यहाँ पे बराबर आ गया और यहाँ पे पीछे छोड़ दिया यहाँ पे कार्लोस सेंज, जो काफ़ी अच्छा मूव वहाँ पे रितेश के द्वारा, और बिल्कुल यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आ चुके हैं। तो ये अब थोड़ा सा मेरे को स्ट्रेटजी आपको समझ में आ रही है, बट यहाँ पे कार्लोस सेंज इतनी जल्दी हार मानते नहीं हो, यहाँ पे वापस ओवरटेक कर लिया यहाँ पे रितेश को, क्या ही बेहतरीन ओवरटेक, और मतलब किया अलग क्योंकि ऐसे टर्न्स वो काफ़ी डिफिकल्ट टर्न्स हैं ओवरटेक करने के लिए, तो इसलिए वो बहुत ही अच्छा ओवरटेक था और मतलब मज़े आ गया उस ओवरटेक को देख के कार्लो चेंज के। बट यहाँ पे अब DRS होगा हमारे पास, क्योंकि DRS ऑन है हमारा और हमारा हम उनके DRS रेंज में, स्लिपस्ट्रीम यहाँ पे थोड़ी सी मिलेगी हमको, लेकिन थोड़ा छोटा स्टेट है तो इसलिए हम उनको ओवरटेक नहीं कर पाएंगे, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि सेक्टर 3 में हम काफ़ी भी फास्ट है, तो इसे डरने वाली बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पे टर्न 13 आ चुका है और टर्न 14 पे तो तुम पता ही है कि उसके बाद कितनी तेज़ चलती है हमारी कार, और यहाँ पे टर्न 14 15 यहाँ पे टर्न 14 पे ही मिलती है हमको, और बिल्कुल यहाँ पे DRS मिल चुका है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत बड़े आसानी से यहाँ पे पीछे छोड़ते हैं यहाँ पे रितेश बिल्कुल कार्लोस सेंज को यहाँ पे पीछे, और बिल्कुल यहाँ पे अब आ चुके हैं 3rd नंबर पर वापस, एंड 4.3 सेकंड यहाँ पे हम आगे चलते हुए हैमिल्टन हार्ड टायर के साथ, और 16.2 सेकंड यहाँ पे आगे हैं वर्स्टापन, क्या ही लीड बना रखी है, मतलब 12 सेकंड तो हैमिल्टन से ही बना रखी है, तो अपने होम में तो अलग ही जलवे में चल रहे हैं वर्स्टापन। बट यहाँ पर हम धीरे धीरे पास आ रहे हैं गाइस हैमिल्टन को, तुम लोग देख सकते हो काफ़ी दूरी रह नहीं गई है, यहाँ पे दो ढाई सेकंड के सिर्फ हम पीछे हैं यहाँ पे हैमिल्टन से, और यहाँ पे वर्स्टापन पिट में जाते हुए, तो यहाँ पे क्या वर्स्टापन का ओवरटेक कर सकते हैं पिट में,
जो कि उसके बाद हमें डिफेंड करना पड़ेगा, तो वो तो देखा जाएगा। उससे पर उससे पहले हमें ओवरटेक करना पड़ेगा। यहाँ पे वर्स्टापन फिर से बाहर आते हो, यहाँ पे हैमिल्टन बिल्कुल मेरे घर से यहाँ पे आगे निकल चुके हैं। हैमिल्टन यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे हैमिल्टन आगे निकल चुके हैं, लेकिन हैमिल्टन नहीं यहाँ पे हमको आगे निकलना था। बट यहाँ पे क्या हैमिल्टन होल्ड करके रह सकते हैं, जो कि सॉफ्ट टायर के साथ आए यहाँ पे वर्स्टापन, तो और हार्ड टायर के साथ हैमिल्टन वही पुराने, तो यहाँ पे मुश्किल होगा। बट अगर होल्ड करके रह सकते हैं तो मेरे घर से हम वर्स्टापन के पास पहुँच सकते हैं, तो वहाँ पर कुछ चांस मिल सकता है ओवरटेकिंग का। लेकिन अब आने वाला है टर्न 14 यानी कि और स्ट्रेट, तो वो वहाँ पे DRS होगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा मुझे लगता है। एक लैप यहाँ पे देखते हैं कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे होल्ड गाइस। बट यहाँ पे DRS है यहाँ पे फर्स्ट आप के पास, बिल्कुल यहाँ पे रोकने की कोशिश, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा स्पीड वहाँ पे फर्स्ट आपन की, और बिल्कुल यहाँ पे आसानी से तो नहीं ओवरटेक किया, क्योंकि यहाँ पे पापा फाइट बैक करते हुए हैमिल्टन और बिल्कुल यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे हैमिल्टन। लेकिन यहाँ पे टर्न 3 पे यहाँ पे दोनों व्हील टू व्हील यहाँ पे क्या वर्स्टापन यहाँ पे आगे निकल जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे आगे निकल गए वर्स्टापन। काफ़ी अच्छा ट्राई वहाँ पे हैमिल्टन के द्वारा, लेकिन नहीं रोक पाए वो हैमिल्टन को वर्स्टापन को आगे जाने से। और मैक्स वर्स्टापन और फास्टेस्ट लैप भी मारते हुए, और अब तो निकले वो काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि अब उनके पीछे कोई ऐसी कार है नहीं जो उनको पकड़ पाए, क्योंकि न्यू सॉफ्ट टायर्स हैं, वर्स्टापन हैं, ऊपर से रेड बुल का इतना अच्छा पेस है, और हमारे भी हम अगर पकड़ सकते या अगर हमारा अच्छा पेस आ रहा होता तो हमें भी नए टायर्स चाहिए। ऐसा नहीं है हम मीडियम टायर्स के साथ उनको पकड़ लें, तो डेफिनेटली यहाँ पे अब हमारा यही टारगेट है कि हम हैमिल्टन को कैच करें और हैमिल्टन को ओवरटेक करें। और यहाँ पे काफ़ी सारी यहाँ पे लैप कार्स आती हुई, यहाँ पे 3-4 यहाँ पे लैप कार्स हैं, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मदद करेंगे हमारे, क्योंकि यहाँ पे हैमिल्टन यहाँ पे फंसे हो। लेकिन नहीं, यहाँ पे हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए परेशानी बढ़ा रही है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे मुश्किल से यहाँ पे साइड मिली हमको। बट फिर भी यहाँ पे हैमिल्टन को थोड़ा सा टाइम लूज़ किया उन्होंने, तो थैंक यू वेरी मच लैप कार्स। बट गाइस जी यहाँ बिल्कुल यहाँ पे हम टर्न 3 पे हैं और 0.8 सेकंड यहाँ पे आ गए हैं टर्न 14 पे यहाँ पे आते हुए, और यहाँ पे DRS होगा यहाँ पे रितेश के पास, तो क्या यहाँ पे ओवरटेक देखने को मिल सकता है हमें, हैमिल्टन को हम ओवरटेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं देखते हैं। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट खत्म होता हुआ, तो ये काफ़ी अच्छी फाइट यहाँ पे हमें लास्ट लैप्स में कुछ देखने को मिल रही है। 3-4 लैप बचे हैं सिर्फ, और हैमिल्टन बिल्कुल यहाँ पे डिपेंड करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे करेंगे वो, ऐसा तो है नहीं आसानी से यहाँ पे हमको ओवरटेक दे देंगे यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे टर्न 3 वापस। ये काफ़ी अच्छी लाइन है वैसे, दोनों लाइन अच्छी हैं वैसे, आप इनसाइड नीचे से मतलब मैं वो भी बोलूँ ना वो घुमावदार तो नीचे बोलना पड़ता है, मतलब आप नीचे से भी मोड़ सकते हो यानी कि इनसाइड से, ऊपर से भी मोड़ सकते हो यानी कि आउटसाइड से, तो दोनों अच्छी लाइन है, तो ऐसा कोई है नहीं कि किसी को ज़्यादा एडवांटेज है। बट यहाँ पे फिर से यहाँ पे हम टर्न 12 पे थे वहाँ पे, और यहाँ पे टर्न 13 पे आते हुए यानी कि फिर से यहाँ पे हम DRS में आने वाले हैं और स्ट्रेट आने वाला है, तो इस बार हम काफ़ी पास हैं यहाँ पे हैमिल्टन के, काफ़ी अच्छी यहाँ पे सिर्फ ही मिलती हुई यहाँ पे रितेश को। क्या यहाँ पे वो इस बार ओवरटेक देखने में मिलेगा हमें रितेश के द्वारा हैमिल्टन के, क्या ओवरटेक कर पाएंगे वो, देखो यहाँ पे क्या नहीं करते हुए यहाँ पे रितेश के पास है यहाँ पे DRS है यहाँ पे आउटसाइड में यहाँ पे थे यहाँ पे, लेकिन रितेश और फिर भी यहाँ पे ओवरटेक कर गए हैं यहाँ पे, और फाइनली यहाँ पे ओवरटेक कर लिया यहाँ पे हैमिल्टन को और आ गए हैं सेकंड प्लेस पे। काफ़ी अच्छा यहाँ पे मतलब रिकवरी करा है, मतलब 10th नंबर पे लगे थे आई थिंक 9th नंबर पे लगे थे, बट स्ट्रेटजी यहाँ पे एक और जेफ की स्ट्रेटजी बढ़िया, और बिल्कुल यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे हमें लाई है वो स्ट्रेटजी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे अजीब से लग रहा था वैसे जब शुरू वाली स्ट्रेटजी थी कि सॉफ्ट हार्ड वो वाली मेडिकल सेफ्टी कार आई, तो हमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी का फ़ायदा मिला है। और यहाँ पे बच गए, ज़्यादा वाइड गए नहीं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लूज हुआ नहीं यहाँ पे टाइम, बट यहाँ पे हैमिल्टन के पास होगा DRS, तो क्या यहाँ पे हैमिल्टन वापस अपनी पोजीशन वापस लेने की पूरा कोशिश करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे टॉप ब्रेक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर रितेश, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट खत्म हो गया और यहाँ पे हैमिल्टन ने यहाँ पे हल्की सी गलती करी जिसकी वजह से यहाँ पे स्पिन हो गए हैं हैमिल्टन, और यहाँ पे काफ़ी सारी पोजीशन खोएंगे अपनी। और ये क्या कर रहे हैं ये भाई, रिवर्स करते हुए, ये वापस रिवर्स करते हुए, ये कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज हो गया मेरे ख्याल से हैमिल्टन, क्योंकि वहाँ से सीधी जा सकती थी कार, बट यहाँ पे वापस से फिर से उन्होंने करा। बट यहाँ मैक्स वर्स्टापन जीत लिया अपनी होम ग्रैंड प्री डच ग्रैंड प्री। अपनी होम रेस जीतने का अलग ही मजा है, आई होप कभी जाके इंडिया भी हमारे पास आए और हम भी इंडिया में जीते। बट देख बट यहाँ पे अभी सेकंड पोजीशन आए हैं, तो यहाँ पे काफी अच्छे रिजल्ट यहाँ पे सेकंड पोजीशन में फाइनली आए हैं, फर्स्ट वैसे हमें चाहिए था बट ठीक है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे। आई होप कि नेक्स्ट वीकेंड इटली है तो वहाँ पे गाइस हम करेंगे अच्छा फर्स्ट आने की पूरी कोशिश। रितेश ड्राइवर ऑफ द डे यहाँ पे गाइस, और रेड बुल काफ़ी खुश होगी बिल्कुल।
So, Anthony, what made the difference out there today? I'd say it was down once again to good, consistent driving, nailing the corners, working to the track conditions and perfecting the team's strategies. They got all of these things right today and the results speak for themselves. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently. It's clear to see that they've put in the work and they should be proud of the victory they secured here. तो गाइस यहां पे रिजल्ट में नजर मारता मैक्स वर्स्टापन अपना घर में जीते और रितेश यहां पे सेकंड पे, कार्लोस यहां पे थर्ड पे, क्योंकि यहां पे स्पिन हो गए हेलियो सेंटर यहां पे सिक्स नंबर पे एस्टेमन को काफी अच्छे पॉइंट यहां पे सर लेक्लेयर युकी शिनोडा और गास्ली यहां पे बाहर हुए इस रेस से। और यहाँ पे स्टैंडिंग नजर आता है बोटास यहाँ पे फर्स्ट पे, सेकंड पे मैक्स वर्स्टापन, थर्ड पे सर्जो पेरेज, फोर्थ पे लुईस हैमिल्टन, फिफ्थ पे यहाँ पे रितेश सिंह है 44 पॉइंट्स पीछे। यहाँ पे बोटास से काफी मेहनत करनी पड़ेगी हमें चैंपियनशिप में जीतने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पे टीम सुनने जमाते हैं, यहाँ पे रेड बुल फर्स्ट पे, सेकंड पे मर्सिडीज से, थर्ड पे गेम्स ऑफ फायर रेसिंग, फोर्थ पे मैकलैरन, फिफ्थ पे फरारी, सिक्स पे अल्फाइन, सेवन पे अल्फा थौरी, ऑस्टन मार्टिन विलियम्स, अल्फा रोमियो और हास के पास अभी तक कोई भी पॉइंट नहीं है। तो देखते हैं गाइस आगे चल के, इंटरव्यू तो वैसे है नहीं तो राइवलरी देखते हैं फिर कितनी राइवलरी बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, और राइवलरी बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। बिल्कुल बराबर हम चल रहे हैं यहाँ पे, दोनों भाई बराबर हैं। और ऑरेंज आज ज़्यादा ही दिखता हुआ, ऑरेंज आर्मी वैसे, क्योंकि मैं वर्स्टापन किया है। बट आई होप गाइस तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी, काफ़ी मज़ा आया वहाँ पे, वैसे फर्स्ट नहीं आ पाया बस वैसे अगर, बट ठीक है इतना क्योंकि हम नीचे लगे थे नाइन्थ पे, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट फिर भी और काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी। तो आई होप तुम लोगों को काफ़ी मज़ा आया क्योंकि काफ़ी फास्ट रेस थी, काफ़ी मतलब स्पीड वाली रेस थी, मतलब फास्टेस्ट ट्रैक था, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, स्पीड डोमिनेट ट्रैक था। तो आई होप तुम लोगों को मजा आया हो, और अगर मजा आया तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे तुम्हारे लिए। और भी जो तुम्हें वीडियो चाहिए हो अदर रिलेटेड गेम्स से तो तुम मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और थैंक यू इस वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।